ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाप दादा की 5 दिसंबर 2022 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, जितना ज्ञान रत्नों का दान करेंगे उतना खजाना भरता जाएगा। विचार सागर मंथन चलता रहेगा, धारणा भी अच्छी होगी। प्रश्न है, जिन आत्माओं के भाग्य में बेहद का सुख नहीं है उनकी निशानी क्या है? उत्तर है, वह ज्ञान को तो सुनेंगे लेकिन ऐसे जैसे उल्टा घड़ा। उल्टे घड़े में तो कोई पानी रहता नहीं ना, बह जाता है, तो बुद्धि में कुछ बैठेगा नहीं। अच्छा अच्छा करेंगे, महिमा भी करेंगे, कहेंगे हाँ सबको ये सुनाना चाहिए, ये मार्ग बहुत अच्छा है, परंतु खुद उस पर नहीं चलते हैं। बाबा कहते हैं यह भी तकदीर है, तुम बच्चों का फर्ज है सर्विस करना, हजारों को सुनाते रहो। प्रजा तो बनती है माँ बाप मिसल बेहद के बाप से, वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो। नॉलेज को धारण कर आप समान बनाते रहो। आज का गीत है, तकदीर जगा कर आई हूँ, एक नई दुनिया बसा कर लाई हूँ। ओम शांति। तकदीर सदैव दो प्रकार की होती है, एक अच्छी दूसरी बुरी, एक सुख की दूसरी दुख की। भारत के सुख की तकदीर भी है तो दुख की भी तकदीर है। भारत ही सुखधाम था, भारत ही दुखधाम है। मकान नया और नया है तो अच्छी तकदीर है, और पुराना है तो बुरी तकदीर है। भारत ही पहले नया था फिर पुराना हुआ, इन बातों को तुम बच्चे समझ सकते हो। दुनिया नहीं जानती, तुम्हारा ध्यान इन बातों की तरफ खींचवाया जाता है। बच्चे तुम कितने तकदीरवान थे, देवी देवता विश्व के मालिक थे, अभी नहीं है। अच्छी तकदीर बदल अब बुरी हो गई है। अच्छी तकदीर कैसे और कब होती है समझने की बातें हैं। समझाने वाला बेहद का बाप है। भारत की ऊंची तकदीर कब थी? जब स्वर्ग था। बुरी तकदीर अब है, गाते हैं पतित पावन आकर हमारी पावन तकदीर बनाओ। भारत पावन था तो जबरदस्त तकदीर थी, अभी वही भारत पतित है क्योंकि विकारी है। विकारी और निर्विकारी दोनों है ना। हम अगर इस समय निर्विकारी बनेंगे तो देवता बनेंगे। अब बाप को बुलाते रहते हैं सभी बच्चे, कुंभ के मेले पर भी जरूर गाते हैं पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम। पतित पावनी नदी तो है नहीं मनुष्यों को। मनुष्यों की जब तकदीर बुरी होती है तो कितने पत्थर बुद्धि हो जाते हैं। सुख दुख का एक खेल है, दुख कौन देते सुख कौन देते, दोनों के चित्र बहुत तामी ग्रामी है। सुख के लिए परमपिता परमात्मा को याद करते, हे सुख करता दुख हरता। इससे सिद्ध है बाप कभी भी बच्चों को दुख नहीं देते हैं। वो लोग समझते भगवान ही सुख दुख दोनों देते हैं, पाई पैसे की तो कोई बात कोई समझते नहीं। अभी तुमको बाप ने पारस बुद्धि बनाया है, बुद्धि का ताला खोला है। तुम जानते हो सृष्टि का चक्र फिरता रहता है, सृष्टि पुरानी होती है तो उसमें दुख है। अभी तुमको 3 आँखें मिली हुई हैं, तुम सबको समझा सकते हो। जबकि गाते हो पतित पावन आओ, फिर नदी पर क्यों आकर के बैठे हो? यह यज्ञ तप आदि करना, वेद शास्त्र आदि पढ़ना सब भक्ति मार्ग है। बाबा कहते मैं इनसे नहीं मिलता हूँ, जब तुम्हारी भक्ति पूरी होती है तब मैं आकर सदगति देता हूँ। योग का भी ज्ञान चाहिए ना, पावन बनने के लिए ज्ञान चाहिए। शास्त्र पढ़ने से तो पावन बनने की कोई बात नहीं। विवेक कहता है भारत जब पावन था संपूर्ण निर्विकारी था, तब धनवान भी बहुत थे। देखो जब सतयुग था आत्माएं पावन थी तो सब धनवान थे। ऐसा धनवान और पवित्र किसने बनाया? क्या गंगा स्नान करने से बने या शास्त्रों को पढ़ने से बने? ये तो तुम करते ही आए हो, पुकारते ही आए हैं पति पावन आओ। जब पति दुनिया का समय पूरा होता है तो पति पावन बाप आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। पावन दुनिया है सतयुग और पति दुनिया है कलयुग। ये कोई नहीं समझते कि पतित पावन एक ही परमात्मा है, गाते भी है पतित पावन सीताराम रघुपति राघव। अच्छा उसका अर्थ भी बाप समझाते हैं, सभी सीताओं का राम एक ही परमात्मा है, कहते सबका दाता राम। दाता क्या करता है ये भी नहीं समझते। बाबा समझाते हैं सबका दाता राम तो एक निराकार है, बुद्धि को बिल्कुल ही ताला लगा हुआ है, बुद्धि में बैठता ही नहीं। सतयुग में सब पारस बुद्धि है, नाम ही है पारस नाथ पारसपुरी। तुम बच्चे भी इस समय पारस नाथ बनते हो। आत्मा गोल्डन एज बनती है, अभी आयरन एज बुद्धि है। गोल्डन एज बुद्धि सुख उठाती है,
और आयरन एज की बुद्धि जो है वो क्या करती है, दुख क्यों उठाती है। मनुष्य विश्व के पीछे हैरान होते हैं, पवित्र बनने में देखो कितना हंगामा करते गाया है ना, कंस, जरासंधि, दुशासन, कुतना, शूर्पणखा, ये सब पास्ट की बातों का गायन है, जरूर संगम युग का ही गायन है, हर बात संगम की गाई है। बाबा भी कहते मैं भी पतितों को पावन बनाने एक ही बार आता हूँ। तुम जानते हो बाबा का धंधा है पतितों को पावन बनाना, बाबा रचयिता है तो जरूर नई रचना ही रचेंगे, रावण है ही पतित बनाने वाला और बाप है पावन बनाने वाला, उसका यथार्थ नाम शिव है। शिवरात्रि मनाते हैं, रात्रि का भी अर्थ तुम समझते हो, बाप आएगा तब जब भक्ति अर्थात रात पूरी हो, दिन होगा, अब बाबा कहते हैं बच्चे पावन बनो। अब वापस जाने का है ना, सतयुग था फिर चक्र रिपीट होगा, तुम बच्चों को मनुष्य देवता बना रहा हूँ, देवता ही मनुष्य थे और कोई फर्क नहीं, सिर्फ वह गोरे अर्थात पावन है और अभी के मनुष्य सावरे अर्थात पतित है। भारत गोल्डन एज था, अभी आयरन है, आत्मा में खाद पड़ गई है, वह निकलेगी भी योगा गुण से। आगे मन मना वो अक्षर पढ़ते थे, अर्थ तो कुछ नहीं समझते थे, परमपिता परमात्मा के साथ बुद्धियोग लगाना है, परंतु उनके रूप का किसको पता नहीं तो योग कैसे लग सकता है। कहते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, तो योग किससे लगाए, मन मना भव, देह का अभिमान छोड़ो, अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा का रूप क्या है, कहते हैं आत्मा बिल्कुल स्टार मिशन है, भ्रुकुटी के बीच में रहती है, तो आत्माओं का बाप भी ऐसा ही होगा, उनको फिर नाम रूप से न्यारा कहते हैं। बाप के लिए कहते हैं ब्रह्म है, अखंड ज्योति तत्व है, ब्रह्म तो बेअंत हो गया, जैसे आकाश का अंत नहीं पा सकते, अच्छा कोई करके अंत पा भी लेवे, परंतु उसे मुक्ति जीवन मुक्ति कोई को नहीं मिलती। मुक्ति जीवन मुक्ति का अर्थ तो बच्चे समझते, दुनिया तो कुछ भी नहीं जानती, गाते हैं ज्ञान का सागर। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सत चैतन्य पतित पावन, तो जरूर पति दुनिया में आएंगे। तुम समझाते हो जब ज्ञान है तो भक्ति हो न सके, ज्ञान है दिन सतयुग त्रेता, भक्ति है रात, ज्ञान का सागर परमपिता परमात्मा है न कि पानी, ये सबको समझाना है। सारे भारत को कैसे पैगाम देना है उसके लिए बाबा अच्छी अच्छी युक्तियाँ समझाते हैं। मेला तो वास्तव में आत्मा और परमात्मा का गाया हुआ है ना, परमात्मा तो एक ठहरा, परमात्मा सर्वव्यापी है, ये कोई हिसाब नहीं बनता। बाबा ही आकर सबको दुख से छुड़ाते, दुख में सिमरण सब करते, कितनी रड़ियाँ मारते हैं, पूछो यह रब कब से करते आए हो, कहते परंपरा से, फिर पावन तो कोई हुए नहीं और ही पति तो हो गए। तुम्हारी बुद्धि में अब सारा ज्ञान भरा हुआ है, ज्ञान को कहा जाता है ब्रह्मा का दिन, विष्णु का दिन नहीं कहते, क्योंकि ज्ञान अभी ही मिलता है, दिन प्रतिदिन पॉइंट्स भी रिफाइन निकलती जाती है। जीवन मुक्ति है भी सेकंड की बात, फिर कहते हैं ज्ञान का सागर, कितना भी लिखते जाओ अंत नहीं आएगा। बाप जब समझा कर पूरा करते हैं तो फिर इम्तहान भी पूरा हो जाता है। शुरू से लेकर कितना सुनते आए हो, गीता तो बिल्कुल छोटी बना दी है, कितनी ज्ञान की बातें हैं, समझाना बहुत सहज है, बरोबर सतयुग में एक ही धर्म था। अभी तो कितने धर्म हैं, कितना हंगामा है, आपस में हंगामा करते रहते हैं, एक धर्म था तो लड़ाई आदि का नाम नहीं था, सुख ही सुख था, आदि सनातन देवी देवता धर्म। चक्र का राज भी तुमको बुद्धि में है, बच्चों को समझाया है, तुम 84 जन्म कैसे लेते हो, चक्र रिपीट होता है, अभी तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हो, योग बल से ऐसे बनते हैं हम, योग बल से तुम अभी आस्तिक बने हो, त्रिकालदर्शी बने हो, दुनिया में कोई भी रचता और रचना को नहीं जानते हैं, तुम बच्चे जानते हो परंतु धारणा कर औरों को नहीं समझाते हो तो पॉइंट्स भूल जाती है, एक माल बुद्धि में नहीं बैठता तो दूसरा कैसे बैठेगा, दान देते जाएंगे तो खजाना भी भरता जाएगा, विचार सागर मंथन चलता रहेगा, किसको कैसे समझाए। भक्ति की महिमा तब है जब ज्ञान नहीं, जो सर्विस पर है उनकी बुद्धि में नशा रहता है। नंबर 12 है महारथी, वह जो दूसरों को आप समान बनाते रहते हैं, नॉलेज धारण करते हैं, पद भी उनको ऐसा मिलता है, यह मेहनत सारी गुप्त है। तुम बाप के बने हो तो समझते हो
बाप से जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। वहाँ रावण होता नहीं, रावण का राज्य ही अलग है, रामराज्य अलग है। तुम बच्चे समझते हो रामायण भागवत आदि में आदि सभी समय की बातें हैं, गुड़ियों का खेल है ना। बाबा समझाते ये समय सारा झाड़ तमोप्रधान है, खत्म होने का है, तुम्हारी बुद्धि में सारा राज है। समझाने के लिए कितनी युक्तियां बताते रहते हैं, समझेंगे फिर भी कोटों में कोई सामने लग रहा है। जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वह सब निकल आएंगे, हिंदू वास्तव में असुर देवी देवता धर्म के हैं। समझाना है तो भारतवासी देवी देवता नस्ल के होना, हमारी नस्ल कौन सी है, देवी देवता धर्म की। देवी देवताओं को पूछते हैं, देवता ही तुम्हारा धर्म है, पहले तुम देवता थे, फिर क्षत्रिय बने, वैश्य बने, शूद्र बने, और फिर ब्राह्मण बनते हो, फिर देवता बनते हो। हम समझाएंगे भारतवासियों को, अब शांतिंग लगता है बाबर समझाते मैं कैसे शूद्र से कन्वर्ट करता हूँ, ब्राह्मण बन फिर देवता बनेंगे, कितनी समझानी अच्छी है। तुमसे कोई पूछे शास्त्र पढ़े हो, बोलो भक्ति मार्ग में हमने सब शास्त्र पढ़े हुए हैं, परंतु सदगति तो बाबा ही आकर करते हैं, तब तो तुम उनको बुलाते हो ना, हे पति पावन आओ युक्ति से समझाओ, तो समझेंगे जरूर। समझाने के लिए बच्चों में हिम्मत चाहिए, ड्रामा तुमसे सर्विस कराएगा, ड्रामा तुमको सर्विस कराएगा, ऐसा देखने में आता है। कल्प पहले भी इसने इतना पुरुषार्थ कर यह पद पाया, बाबा से वर्षा पाने का पुरुषार्थ पूरा करना है, जबकि बाप का वर्षा मिलता है तो हम रावण के वर्षे को हाथ क्यों लगाए, क्यों नहीं मीठा बने, सर्वगुण संपन्न बने। यह है राजयोग, नर से नारायण बनने का, अर्थात राजाई पाने का योग। बाबा कहते मैं कल्प 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 के संगम युग पर आता हूँ, यह है चढ़ती कला का युग, बाकी सब है उतरती कला का युग। उतरती कला और चढ़ती कला होती है, यह चक्र बुद्धि में रहना चाहिए। बाबेट आत्माओं से बात करते हैं, मुझे याद करो, ये अंतिम जन्म पवित्र बनो, पतित नहीं बनो तो मैं तुमको विश्व का मालिक बनाऊंगा, क्या तुम मेरी मत नहीं वह मानोगे, बाबा पूछ रहे हैं। फिर तो बेहद का सुख भी नहीं पा सकेंगे ना, तुम यह एक जन्म पवित्र बनो, मैं गारंटी करता हूं तुमको विश्व का मालिक बनाऊंगा। बाप की भी नहीं मानेंगे तो क्या, जो फूल बनने वाला होगा उनको जिहर तीर लगेगा, भाग्य में नहीं होगा तो सुनेगा ऐसे जैसे उल्टा घड़ा। प्रदर्शनी में तुम कितनों को समझाते हो, अच्छा अच्छा करते हैं, कहेंगे मार्ग बहुत सहज है, परंतु खुद कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ महिमा की, औरों को अच्छा कहा, खुद नहीं चलते तो इसे क्या होता है, कहेंगे इनकी तकदीर में ही नहीं है, ऐसे ऐसे प्रजा में आ जाएंगे। परंतु बच्चों में सर्विस का शौक होना चाहिए, हजारों को सुनाना पड़े, बेहद के बाप से वर्षा लेने के लिए माँ बाप समान पुरुषार्थ करना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सीखे लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा पहली पॉइंट है, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए अति मीठा सर्वगुण संपन्न बनना है, रावण के वर्षे को हाथ नहीं लगाना है। नॉलेज को धारण कर रूहानी नशे में रहे सर्विस करनी है, बेहद का सुख पाने के लिए बाप की है हर राय को मानकर उस पर चलना है। आज का वरदान है अटेंशन की विधि द्वारा माया की छाया से स्वयं को सेफ रखने वाले हलचल में अचल भव। वर्तमान समय प्रकृति की तमोगुणी शक्ति और माया की सूक्ष्म रॉयल समझदारी की शक्ति अपना कार्य तीव्र गति से कर रही है। बच्चे प्रकृति के विकराल रूप को जान लेते हैं, लेकिन माया के अति सूक्ष्म स्वरूप को जानने में धोखा खा लेते हैं, क्योंकि माया रॉन्ग को भी राइट अनुभव कराती है, महसूसता की शक्ति को समाप्त कर देती है, झूठ को सच सिद्ध करने में होशियार बना देती है। इसलिए अटेंशन शब्द को अंडरलाइन कर माया की छाया से स्वयं को सेफ रखो और हलचल में भी अचल रहो। आज का स्लोगन है,
हर संकल्प में उमंग उत्साह हो तो संकल्पों की सिद्धि हुई पड़ी है। हर संकल्प में उमंग उत्साह हो तो संकल्पों की सिद्धि हुई पड़ी है। तो ऐसे अटेंशन की विधि द्वारा माया की छाया से स्वयं को सेफ रखने वाले हलचल में अचल भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे। हैप्पी मंडे।